हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे 2022 में आने वाली महाशिवरात्रि के बारे में। यह फरवरी माह में कब है, पूजा विधि नियम व प्रक्रिया कि इस दिन व्रत रखने के क्या नियम हैं, इस दिन पूजा करने के क्या नियम हैं, किन बातों का रखे ध्यान, संपूर्ण जानकारी और इस दिन करें ये अचूक उपाय, बनेंगे सब बिगड़े काम, नौकरी व्यापार बिजनेस दुकान स्वास्थ्य विवाह संतान विदेश यात्रा व अपने परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए, उनसे जुड़े किसी भी समस्याओं व अपनी अन्य कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, क्या उस दिन विशेष होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शंकर जी बहुत ही भोले भाले हैं। हिंदुओं के लिए महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत महत्व रखता है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जो हिंदू कैलेंडर में हर एक महीने में आता है। हालांकि फाल्गुन महीने में शिवरात्रि को पूरे भारत में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह शुभ भारतीय त्यौहार माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू में और महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि 2022 में कब है? भारतीय कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि एक पवित्र हिंदू त्यौहार है। यह शुभ अवसर वह समय होता है जब भगवान शिव और देवी शक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ होती हैं, और यह भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से विकसित करता है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास ध्यान सेवा पूजा भक्ति जप तप व्रत बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत शिवरात्रि एक अनूठा त्यौहार है जो रात के दौरान मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हमारे ग्रंथों और लिंग पुराण जैसे कई पुराणों में इसके महत्व का उल्लेख किया गया है, और वे महाशिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम पर श्रद्धा करने के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक अभिदंती के अनुसार इस रात को शिव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। सर्जन और विनाश की एक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति भक्त शिव भजन गाते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सर्वशक्तिमान द्वारा किए गए लौकिक नृत्य का एक हिस्सा है और हर जगह उनकी उपस्थित का जश्न मनाते रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की पूजा विधि नियम। महाशिवरात्रि पूजा सुबह जल्दी शुरू होती है जब भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और शिव मंदिर जाते हैं। यह उन महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है जो पारंपरिक महाशिवरात्रि पूजा को पानी दूध बेल के पत्तों फल जैसे बेल या लाल बेल और धूप दीप के साथ करती हैं। महाशिवरात्रि व्रत विधान कैसे करें? महाशिवरात्रि व्रत विधान इस दिन उपवास की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को दिन में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप फलाहार उपवास भी रख सकते हैं। भक्तों को पूरे दिन एक कठोर उपवास रखने का संकल्प या प्रतिज्ञा लेना चाहिए और अगले दिन केवल भोजन करना चाहिए। वे भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं कि वे शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ महाशिवरात्रि व्रत को बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। महाशिवरात्रि पूजा रात के समय की जानी चाहिए। भक्तों को स्नान करने के अगले दिन उपवास तोड़ना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ पाने के लिए चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत को सूर्योदय और समय के बीच कभी भी तोड़ा जा सकता है। यह देश भर में मनाए जाने वाला एक सुंदर पवित्र त्यौहार है।
महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो भगवान शिव की महाशिवरात्रि आती है तो हवा में भी धार्मिक पवित्रता भरी हुई होती है और इस त्यौहार की सभी भक्तों द्वारा भक्ति के साथ प्रतीक्षा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण द्वारा पार्थिव शिवलिंग या नाग नागिन के जोड़े के साथ शिवलिंग पर अभिषेक करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, जिनसे आप उनके अटूट आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनका जप तप व्रत और अभिषेक करके आप उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली से जाना चाहते हैं या आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं या कोई ग्रह पीड़ा है जिससे आप समस्याओं को बार बार जूझ रहे हैं, तो उनसे निवारण के उपाय जानने के लिए आपके सानिध्य नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।